कितने कितने पैसे? 20 लाख का। 20 लाख रुपए का? हाँ, और 7-8 लाख रुपए लगाने में लग गए बनवाने में। सरकार क्या बताकर चला रही है भैया बुलडोजर? फॉरेस्ट लैंड जो है वो कह रहा है हमारा है, जबकि हमें तो फॉरेस्ट लैंड की बाउंड्री उस साइड है। सारे एनसीटी वाले पुलिस वाले सब मिले हुए, जब यहाँ से इतनी मुंडेरे बनाई जा रही थी तब यहाँ दौरा करते थे तभी दिखता था। नेताओं की दुकानें बची, मार्केट बची है, और ये मकान टूट रहे गरीबों के पास। आप लोगों के पास कागज वागज है क्या? जमीन का वही पावर टूटने कागज दिए हुआ है। बताओ हम चार चार तीन दिन बच्चे लेके कहाँ रहेंगे? जंगल में रात भर गुजारे, कल तो रात भर उन्होंने जंगल में गुजारा। ये दीवार खुद फॉरेस्ट वालों ने खींची और हमको भी बोला कि आप ले लो बेफिक्र, हमारे तो यही तक जमीन है। के मकान पे तो नहीं बोल रहे, चल रहा है उस पे स्टे लगवाया होगा ना उन्होंने। लोगों को किसी को नोटिस मिला या? नहीं मैडम, हमें नहीं। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। रोटी कपड़ा और मकान हर किसी का सपना होता है और लोग जो है कठिन मेहनत करते हैं अपने घर को बसाने के लिए। ऐसा ही संगम बिहार में रहने वाले लोगों के साथ हुआ। यहाँ लगभग 30 मकान तोड़े जाएंगे जिनकी मार्किंग भी कर दी गई है। लगभग 14 से 15 मकानों पर बुलडोजर भी चल गया, कुछ पर अभी बुलडोजर चल रहा है। आइए जुड़कर जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से क्या समस्या है, किस कारण ये मकान तोड़े जा रहे हैं, क्या वो अवैध अतिक्रमण है या फॉरेस्ट लैंड है या एग्रीकल्चर लैंड है जिसके कारण सरकार इनके घर तोड़ रही है। बताइए भैया कितने घर हैं लगभग यहाँ पे जो तोड़े जाएंगे? लगभग 30 से 40 घर हैं जो तोड़े जा रहे हैं। सबको पेपर दिए गए थे, 1984 तक के चैन दी गई है, और इसमें जो है ये एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, फॉरेस्ट लैंड नहीं है। ये मकान आपने किससे खरीदा? ये मिस्टर श्यामवीर जी से लिया था मैंने, रामवीर श्यामवीर से। प्रॉपर्टी डीलर है? वो प्रॉपर्टी डीलर है, सामने उनका ऑफिस है। और ये हमें 22,000 रुपए गज दिया गया था और मेरे को 5 साल हो गए रहते हुए इसमें। बिजली का बिल मेरे नाम है, मकान के पेपर मेरे नाम है। वोट देते हैं? हाँ वोट देते हैं। देखिए विडम्बना हमारे समाज में यह है कि इसी पते पर ये व्यक्ति रहता है, लगभग 5 साल हो गए हैं इसी पते पर रहता है, वोट भी देता है, इसी पर बिजली बिल भी आता होगा। आता बिजली? बिल्कुल आता है, आता है। पानी का बिल भी आता है? नहीं, पानी का तो बोर है, प्राइवेट बोर है। हाँ देखिए बिजली का बिल भी आता है और आज इसी मकान को हटा दिया जाएगा या कहें इस पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। सरकार क्या बताकर चला रही है भैया बुलडोजर? फॉरेस्ट लैंड जो है वो कह रहा है हमारा है, जबकि हमें तो फॉरेस्ट लैंड की बाउंड्री उस साइड है, कम से कम 45 फुट दूर है उसकी बाउंड्री, फिर वो बाउंड्री के अंदर आ रहा है हमारे। सारे एनसीटी वाले पुलिस वाले सब मिले हुए, जब यहाँ से इतनी जब मुंडेरे बनाई जा रही थी तब यहाँ दौरा करते थे तभी दिखता था, तब एनसीटी वाले नहीं करते थे ना तोड़ दे इसे या पुलिस में एक्शन ले। ये सब मिले हुए पुलिस वाले एनसीटी वाले सब मिले हुए, जितने नेता है ये सब मिले हुए, झाड़ू वाले और बीजेपी वाले सब मिले हुए। नेताओं की दुकानें बची, मार्केट बची है, और ये मकान टूट रहे गरीबों के पास। हमारा नाम मोहम्मद हारून है। कितना कितने गज का प्लॉट था? 50 गज का प्लॉट था। कितने समय पहले लिया आपको? भाई 6 साल हो गया मुझे मकान लिए हुए, 2 मंजिल मकान बना हुआ था। हाँ, रामवीर शामवीर दोनों डीलर थे, हम लोग जमीन लिए थे। जब वो बोले थे कि ये बाबा खालसा की जमीन है, हमारे पास पक्का कागज है, आप लोग की डरने की बात नहीं है, किसी की जंगल की जमीन नहीं है। आज वही है कि जंगल वाले कहते हैं कि ये हमारी जमीन है, हम इसको तोड़ के गिरा देंगे। जब हम लोग उसको बोलते हैं तो वो सब बहाना बनाता है, कोर्ट जा रहे हैं, पावर टोनी ला रहा है, नहीं टूटेगा, मगर बुलडोजर नहीं रुकने के नाम नहीं ले रहा है। रामवीर शामवीर जो है दोनों जो है पैसा से लेकर के जमीन में हम लोग को फंसा दिया। हम लोग गरीब आदमी मर गया, जब उन लोग को कहते हैं तो उन लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अभी सब बुलडोजर चलते जा रहा है, आगे मुंह के बढ़ते जा रहा है, सारा पब्लिक यहाँ से। आपका घर तोड़ दिया आज? हमारा घर कल ही तोड़ दिया, 2 मंजिल मकान बना हुआ था 50 गज के प्लॉट में। अब हम चार चार तीन दिन बच्चे लेके कहाँ रहेंगे? जंगल में रात भर गुजारे, कल तो रात भर हम लोग जंगल में गुजारा। अब कहाँ रहेंगे फॉरेस्ट वाले? कहाँ सो रहे थे? हमें कहीं रहने का सुविधा दे, यहाँ तोड़े तो कहीं तो कुछ दे रहने के लिए। ये जो फॉरेस्ट वाले उन्होंने ऐसा बोला है कि जितने कीमत में आपने जमीन खरीदी थी उस समय उतना कीमत ले लिया, ऐसा कुछ बात हुई? कुछ नहीं बात हुई, कुछ भी बोला नहीं उन्होंने, कुछ नहीं कहा कि यहाँ तोड़ रहे तो आपको हम कहीं देंगे, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। कल एकदम से बुलडोजर लाया, एकदम किसी का कोई बात नहीं सुन रहे, वो धराधर मकान तोड़े। कोई भी नोटिस नहीं? कोई नोटिस नहीं आया हमें, कोई नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं आया। बताओ आप लोग, जैसे तैसे जो सामान निकला, बाकी हमारा सामान उसी में तहस नहस हो गया। अब रात भर हम लोग जंगल में रहे कैसे? अब 3 दिन बच्चों को लेकर हम लोग रहेंगे? बताओ आज क्या
कल तो रात की गुजार ली, आज रात हम लोग कहाँ गुजारेंगे। देखिए किस तरीके से इस बिल्डिंग को गिराया जा रहा है, लोगों की इतनी मेहनत से इन्होंने दो दो तीन तीन मंजिल इन घरों को बनाते हैं और उसके बाद इन पर बुलडोजर चल जाते हैं। जबकि अवैध अतिक्रमण भी नहीं बताया जा रहा है कि डीलर के द्वारा लोगों ने 22-23 हजार रुपए गज में ये प्लॉट खरीदे, उसके बाद उस समय बताया गया पावर अटॉर्नी भी दी जाएगी और हमारे पास जो है पक्के कागज हैं। इस तरीके से लोगों को दिलासा दिया गया और उस दौरान लोगों ने 25 गज, किसी ने 50 गज, किसी ने 30 गज इस तरीके से ज़मीनों को खरीदा, उसके बाद जो है घरों को बनाया, दो से तीन मंजिल घरों को बनाते हैं, उसके बाद इन पर बुलडोजर चलाता है। अच्छा ये बताइए आप लोगों के पास कागज़ वागज हैं क्या? जमीन का वही पावर अटॉर्नी कागज दिए हुआ है। क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम जमालुद्दीन है। जमालुद्दीन किसके नाम से बिल आता है? मेरे ही नाम से। देखिए बिल भी जो है जमालुद्दीन के नाम से आता है। और कितने टाइम से इस मकान में रह रहे हैं? सबसे पहले ही मेरा है यहाँ पे। कई साल हो गए। अच्छा प्लॉट के कागज हैं आपके पास? आप प्लॉट की तो पावर अटॉर्नी होती है ओनली। हाँ है आपके पास। कितने रुपए गज खरीदा था ये? ये 22,000 रुपए गज, जब से 6 साल पहले लिया था। 22,000 रुपया गज। कितने मंजिल आपका घर बना था? मेरा ये दो मंजिल है। ये दीवार खुद फॉरेस्ट वालों ने खींची। हाँ। और हमको भी बोला है। हाँ। कि आप ले लो बेफिक्र, हमारी तो यहीं तक जमीन है। तो ऐसे बहका के मतलब ये लोग और इनके जो भी दलाल हैं वो मिलके ये जमीन, और पटवारी भी आया हमारे साथ, पटवारी था ना लेखपाल। हाँ। हिंदी में बोलते हैं। हाँ। वो भी आया, कह रहे नहीं नहीं कोई बात नहीं आप ले लो। पुलिस वाले आते थे, हम जो लेंटर डाल ले 1,500-2,000 जो भी लेना है ले जाते थे। वो कभी नहीं कहते थे ये क्यों बना रहे हो, ये मकान ये उनका है जिन्होंने बेची है, जिन्होंने बेची है। देखिए ये जो मकान है वो उसी डीलर का है जिन्होंने इन सभी लोगों को घर बेचे हैं, जिन्होंने बताया कि यही ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, कागज पक्के हैं, पावर अटॉर्नी देने की बात की गई। और देखिए बिजली का बिल भी आ रहा है लगातार, लोग बिल भी भरते हैं, बिजली का बिल आता है, वोट देते हैं, सरकारें इस एरिया का मुआयना करने आती हैं, वोट मांगने आती हैं, तब प्रशासन को नज़र नहीं आता कि अवैध है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये एरिया आता है। देखिए किस तरीके से जो है बिजली का कनेक्शन काटा गया, लोगों के घरों पे बुलडोजर चल गया है लगातार, आप तस्वीरें देख सकते हैं, लोगों को घरों से सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया गया है और एक घंटे पहले घरों पे मार्किंग की जाती है और उसके बाद घरों पर बुलडोजर चल जाता है। कितने टाइम से रह रहे थे इस घर में? 1 साल हुआ हम लोगों को। अभी खरीदा था आप लोग? अभी खरीदा 1 साल, फिर तुरंत बनवाया। कितने पैसे? 20 लाख का। 20 लाख रुपए का? हाँ, और 7-8 लाख रुपए लगाने में लग गए बनवाने में। तीनों से श्यामवीर से खरीदा था? हाँ जी, इन्हीं से खरीदा था। ये जो कैलाश अंकल है, सचो वगैरह है, तो ये इन लोगों ने बोला आप मत खाली करो, मैं आपका साथ दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, इन्होंने बोला था, इसलिए हम लोगों ने खाली नहीं किया, वरना हम लोग कल ही खाली कर लेते। श्यामवीर के मकान पे तो नहीं बुलडोजर चल रहा है? उस पे स्टे लगवाया होगा ना उन्होंने, इसलिए नहीं चल रहा है, उन्होंने अपने ऑफिस का स्टे ले लिया है। लोगों को बिना नोटिस दिए ही घर तोड़ दिया जाता है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों को किसी को नोटिस मिला यहाँ? नहीं मैडम, हमें नहीं मिला। नहीं, मेरा ही मकान टूट रहा है। कितने कितने का लिया आपने? मैंने ये लिया था 7,22,000 का। 7 लाख? 5 साल पहले? 5 साल पहले। बनाने में कितना पैसा लगा? बनाने में लगभग कितना पैसा लगा? बनाने में 2.5 लाख रुपए। 10 साल रुपये से कम, 10 साल से कम नहीं काम। आज पूरा कॉलोनी के यहाँ से लेकर वहाँ तक बनाए हूँ, आज तक कभी कोई आया नहीं। आता था पुलिस वाला आता था, नहीं तो वो आता था बीट वाला आता था। लेंटर पे पैसे लेता था? हाँ, पुलिस वाला भी लेता था और वो भी लेता था, MCT वाला भी लेता था, किसी को नहीं छोड़ता था, नहीं तो लेंटर डाले नहीं देता था। देखिए किस तरीके से स्थानीय जनता ने ही बताया कि बीट ऑफिसर हो गया, MCD के अधिकारी होते थे, लेंटर जब ही डालने देते थे जब पैसा देते थे। और आज वो MCD ऑफिसर, वो अधिकारी कहाँ है जब लोगों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है? लगातार जो चीजें हैं, किस तरीके से फर्जी बाड़ा हुआ है लोगों के साथ, इन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया। जो कीमत थी, जो मकान बनाया हूँ, जो कीमत थी मकान की, उनको वो भी नहीं दी जाती, कोई रहने की व्यवस्था नहीं कराई जाती। इस तरीके से लोगों के घरों पर बुलडोजर चल सकता है। आप लोग देख सकते हैं कि लाइव तस्वीरें जो है आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। लोगों के आशियाना जो है उजड़ चुका है, लोग जो है सड़कों पर रहने को मजबूर है, जंगल में रहने को मजबूर है, लोग जो है इस समय जंगल में भी कुछ लोग रह रहे हैं। इसके साथ ही देखते रहे जलको दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।